शर्मा के रह जाती हूँ जब कोई मुर्गा बोले कुकड़ को। जाम वो है जो भर के झलकता है, जो खिलके महकता है, महकता। बेटी पिया के घर चली, आइए दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री अश्विनी भावे के बारे में। पहले सुनते हैं उन पर फिल्माए गए 10 सुपरहिट गाने। पहला गाना सुनते हैं साल 1993 की फिल्म सैनिक से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार हैं। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने। इसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम सरवन ने, गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। मैं दिल की बात भला कैसे कहूं के। दूसरा गाना सुनते हैं साल 1992 की फिल्म मीरा का मोहन से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता अविनाश वधावन है। इसे लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था अरुण पोडवाल ने, गाया था अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर ने। तीसरा गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म चिता से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। लेकिन ये बनवा डोले जब किसी की खटिया बोले। इसे लिखा था मनोज ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने, गाया था इला अरुण और पूर्णिमा ने। कब तक डाल के उंगली सोऊं मैं अपने कानों में उसकी चूचू पागल। चौथा गाना सुनते हैं साल 1993 की फिल्म सैनिक से। मेरी मोहब्बत याद करोगी। इसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम सरवन ने, गाया था कुमार सानू और आशा भोसले ने। रोगे फरियाद करोगे। पांचवा गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म चिता से। क्या बनेगा मेरा साजन, जादू आशिक बेतार है मेरा लाखों। इसे लिखा था अनवर सागर ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने, गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। छठा गाना सुनते हैं साल 1991 की फिल्म हिना से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता ऋषि कपूर हैं। इसके गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं। गाया था लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद, फरीद सबरी और सतीश ने। सातवां गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म जख्मी दिल से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार हैं। फूल जहां खिलते हैं प्रेमी वहां मिलते हैं। इसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था ऋषिराज ने, गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। लोग यहां जलते हैं चलो दूर छुप जाए। आठवां गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म मोहब्बत की आरजू से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता ऋषि कपूर हैं। इसे लिखा था तविश रोमानी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाया था इला अरुण ने। नौवां गाना सुनते हैं साल 1996 की फिल्म बैरवी से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता श्रीधर हैं। पलंग की दरिया भीगा सावन है। इसे लिखा था अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति ने। मन सावन है। अश्विनी भावे का जन्म 7 मई 1972 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम उषा भावे है जो मुंबई की साधना हाई स्कूल की रिटायर्ड अध्यापिका है।
अश्विनी ने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1986 की मराठी फिल्म सब्बास सुनबाई से की थी। उसके बाद इन्होंने साल 1989 की कन्नड़ फिल्म सारवेगड़ा सारद्रा में काम किया था। इनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1991 की हिन्ना थी, जो सुपरहिट रही थी, लेकिन फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट दूसरी अभिनेत्री जेबा बख्तियार ले गई थी। इन्हा के बाद इन्होंने मीरा का मोहन, हनीमून, सैनिक, परंपरा, अशांत, चिता, चौराहा, जख्मी दिल, इक्का राजा रानी, मोहब्बत की आरजू, जुर्माना, जज मुजरिम और बंधन जैसी 15 के करीब फिल्मों में काम किया था। इनमें एक दो को छोड़कर ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थी। जो फिल्म हिट हुई उसका श्रेय या तो अभिनेता को मिला या दूसरी अभिनेत्री को मिला। इनके समकालीन माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, काजोल, करीना कपूर और करिश्मा कपूर के आगे इनकी चमक फीकी पड़ रही थी। साल 1998 की फिल्म बंधन के बाद ये अमेरिका चली गई थी और वहाँ पर फिल्म मेकिंग कोर्स किया। अमेरिका में रहते हुए इन्होंने साल 2007 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर किशोर बोपारदीकर से शादी कर ली थी। शादी के बाद इन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। इनके पुत्र का नाम समीर है और पुत्री का नाम सच्ची है। साल 2017 में ये वापस भारत आई थी। वापस आने के बाद इन्होंने फिल्म ध्यानी मनी में काम किया था, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। उसके बाद इन्होंने एक वेब सीरीज दी रायकर केस में काम किया था। ये अपने परिवार के साथ अमेरिका रहती हैं, लेकिन अपने देश भारत से भी जुड़ी हुई हैं और मराठी फिल्मों में अभिनय करती हैं। हिंदी फिल्मों में किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन इन पर फिल्माए गए ज़्यादातर गाने सुपरहिट हुए। 10 नंबर का गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म चीता से। इसे लिखा था देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने और गाया था पूर्णिमा ने।